सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। बेल आइकन को प्रेस करने में आपके पास फौरन नोटिफिकेशन पहुंचेगी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त फरहान अख्तर लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज की आज कर रहा हूँ शुरुआत। जैसा कि मैंने इससे पहले एक प्रोमो डाला था और उसमें किया था आपसे वादा कि लेके आऊंगा भैया आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल सीरीज, जिससे कि आपको मिलेगा एक लीक से हटकर काम करने का मौका और आप सीखोगे जो आपने पढ़ाई के दौरान नहीं है सीखा। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा कोर्स वेयर बना के लाया हूँ और सबसे पहले ही शुरुआत कर रहा हूँ, पहला वीडियो है ये मेरा और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। इस ये वीडियो एक स्पेशल इसलिए अब होने वाला है क्योंकि ये अभी एक पूरी सीरीज चलने वाली है इस पर, और जो पहला कोर्स आपके लिए लेकर के आया वो है एक कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर और टैली वगैरह वगैरह करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेकर के आपके लिए बढ़िया एक बंडल में, और आप सीखोगे कैसे करना है भैया काम उस पर परफेक्टली और पैसा कमाने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए होती हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, जो कि अक्सर करके हम लोग सीख नहीं पाते हैं अपने काम के दौरान पे यानी पढ़ाई के दौरान पे। तो भैया यहाँ पर आपको सीखने का मिलेगा उस सारी चीजों का एक मौका। और चलिए आगे शुरू करते हैं, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए खास है वीडियो जो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस होने की वजह से कुछ खास कोर्स कर नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ यानी कि अगर कोर्स कर भी लिया तो वो परफेक्टली उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो भैया जॉब की जरूरत तो होती है सभी को, लेकिन आज की फील्ड में आज के जो ट्रेंड है उसमें जरूरत है एक मास्टर बंदे की, एक परफेक्ट बंदे की जो कि बिजनेस नीड्स को परफेक्टली समझता हो और साथ ही साथ काम कर दे भैया। और ट्रेडर का तो अगर काम चलेगा तो जाहिर सी बात है आपको पैसा तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये है मेरा चैनल जो कि 4000 यानी 4100 सब्सक्राइबर पूरे कर चुका है। ये सब आप लोगों का ही प्यार है और इसीलिए मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो भैया कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलने वाला है इसमें एक बढ़िया सा मसाला एजुकेशनल वाला और सीखोगे आप बहुत कुछ इसमें। आज तो शुरुआत है, खैर पहला वीडियो है जिसमें आप के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर के आया हूँ। एटलीस्ट अगले 2-3 महीनों तक अगर कंटिन्यूसली लेक्चर आप इसमें देखते रहोगे तो परफेक्टली ये मान के चलिए कि इस गर्मी की छुट्टियों में आपके पास आ जाएगी भैया पॉकेट मनी अच्छी खासी, और आपका एक नाम भी होने वाला है और आप अपने करियर में कुछ हद तक ही सही लेकिन आगे बढ़ने की तरफ कदम उठा दोगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज वीडियो को देखिएगा पूरा क्योंकि ये वीडियो में मैंने कुछ किया है खास जो खास तौर से अभी तक आपको बहुत कम चैनल में या हो सकता है किसी में भी आपको देखने को मिला नहीं हो। तो वो बात कुछ ऐसी है कि बहुत से हमारे भाई लोग ऐसे हैं कि जिनको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, तो हिंदी में तो वीडियो मैं शूट करते ही हूँ आप सबके लिए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं व्यूअर्स या सब्सक्राइबर या जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिंदी बहुत वीक है भैया, तो उनके लिए अब एक अलग से वीडियो शूट करना जिसमें मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये तो हो जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो अब होगा क्या, इस वीडियो में मैंने दोनों को कर दिया इनकॉर्पोरेट, मतलब कि ये कि जो मैं हिंदी में बोलूंगा वही इंग्लिश में बोलूंगा, तो ये हो जाएगा एक प्लस पॉइंट, यानी कि इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं आराम से पढ़ाई हमारे लेक्चर्स के साथ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हिंदी में मैं बोलता ही हूँ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक प्लस पॉइंट भाई ये भी होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन थ्रू आउट इंग्लिश की वजह से वो समझ नहीं पाते, तो जब मैं हिंदी में बोलने के बाद उसी चीज को इंग्लिश में बोलूंगा तो आएगी बढ़िया सी समझ में और उनकी इंग्लिश भी ठीक ठाक मजबूत हो जाएगी। तो मैं आपको दोस्त फरहान अख्तर आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी सी लेक्चर सीरीज, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स ये ले आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना भाई, क्योंकि आपको कोई भी चीज मिस नहीं करना है इसमें। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो यार, अगर कुछ भी कमाना चाहते हो, तो बिल्कुल मत करना मैं से एक भी लेक्चर को या एक भी कंटेंट को, बिकॉज आपके ही फायदे की बात है। तो इसमें मैं आपको बताने क्या वाला हूँ कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है। एक्चुअली बहुत बड़ा मैं कोई इंस्टीट्यूट तो चला नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन जो कुछ भी डिजाइन किया छोटा मोटा अपना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो उसमें आपको सीखने को मिलने वाला है बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी भैया, आपके अकाउंटिंग बेसिक्स होते क्या है, यानी कि आप कंप्यूटर पे तो करने वाले हो ही अकाउंटिंग सीखने के बाद, लेकिन आपको अकाउंटिंग के मैनुअल्स भी आने चाहिए, क्योंकि भैया कंप्यूटर तो है टेक्निकल मशीन, और अगर बिगड़ गई या हो गया डाटा क्रैश तो आपका सारा डाटा या सारी मेहनत हो जाने वाली है बर्बाद। तो आपको मैनुअल अकाउंटेंसी आनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन के ऊपर आप यकीन करते हो, हम हो गए हैं डिपेंड मशीनों के ऊपर, लेकिन फिलहाल अपने हाथ पे जो सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए इंसान को, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आपके लिए, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसके बाद है। इसमें आपको मिलेगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी साथ में, क्योंकि ये दोनों ही बढ़िया से सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी एक इमेज रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो मोस्टली यूज होता है बहुत सी जगहों पर। तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। सो दिस इज द कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग यू विल लर्न ओवर हियर, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू विल सी एंड यू विल लर्न हाउ टू यूज द टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर to work perfectly on your account records, and apart from this you will learn how to work on the busy accounting software, that is the second most important software of accounting, and the final is Microsoft Excel, that is the spreadsheet program of Microsoft Corporation that is commonly and mostly used in several and various traders and companies. It's most and most required स्प्रेडशीट प्रोग्राम एट द टाइम। ऑलराइट, तो अब आप सोचो कि अब आप टैली पे काम करना चाहते हो, तो भैया टैली पे काम तो करना सबको ही चाहते हैं, लेकिन करने में हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि बेसिक्स का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी किसी को। बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जब तक आपको पता नहीं होगा वो, तो आप कैसे कर पाओगे भैया काम उस पर, क्योंकि आपके सामने खुल गया एक पूरा सॉफ्टवेयर, अब आपको ये नहीं मालूम है कि उसकी शुरुआत करनी कहाँ से है और कहाँ तक है जाना, तो भैया आपको काम करने में आएगी बड़ी दिक्कत। तो अब इसके लिए आपको समझना होगा बिजनेस स्ट्रक्चर। ये बिजनेस स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाते हो, तो भाई आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने का एक सीक्वेंस तो सीख ही गए। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले जब आप मैन्युअली देखो, जब आप एक कंपनी को या आप एक बिजनेस को चलाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है डियर, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपनी का, क्योंकि इंडिया में लग चुका है जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुड्स के सप्लायर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके कुछ सप्लायर्स होंगे जिनसे आप माल खरीदोगे, उसके बाद आप कस्टमर्स भी बनाओगे जो आपके गुड्स खरीदेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से कस्टमर्स होने वाले हैं। ये तो खैर दिन बाई डे बनते भी रहते हैं, तो फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका गुड्स का नाम क्या होगा, मतलब कि जो आप गुड्स ले रहे हो वो क्या है कैसा है, उसके बाद यूनिट क्या है, उसका प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा, फिर टैक्स रेट जीएसटी का जो एप्लीकेबल होगा वो क्या लगेगा, उस पर एचएसएन कोड क्या होगा। ये सारी चीजें हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का करता वर्क कैसे है, ठीक है। तो इसके पहले अपन एक बार फिर से आ जाते हैं इधर पर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंग्लिश में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रन अ बिजनेस इन अ मैनुअल वे। First of all, if you want to run a business, a trade, first of all, what you need to do, you need to just register your company, your firm. So, GST is applicable now, okay, since
1st of July 2017 and you need to register your form in GST. So the GST registration of the company, and the second one, you need to know about the supplier of your goods, from where you are going to purchase your goods. All right, and after that the customers of goods. So you must know what is the marketplace where you are going to sell your goods. Customers will be added day by day, but you must know about the market. Okay, and the second was the nature of goods, the name of goods, the quality, wagaira wagaira, and after that unit price of goods and applicable GST tax rate and HSN code. Okay, that's okay. And now accounting software bhi work kaise karta hai, kya basic स्ट्रक्चर होते हैं, हायरकी क्या होती है जिस पे हम वर्क किया करते हैं, तो ये रही आपकी हायरकी। सबसे पहले उस पे जैसे आप मैन्युअली, मैंने भी आपको बताया कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह 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 करके, तो बस सेम प्रोसीजर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली इस पे। तो इस पे सबसे पहले हो जाता है कंपनी का क्रिएशन, टैक्स रेट्स की सेटिंग्स कि भैया कितना टैक्स लगेगा, आप किस किस टाइप के टैक्स के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, 12% है, 18% है, भैया 28 है, या है 5%, तो फिलहाल तो ये चार है ही हैं अभी फिलहाल। और उसके बाद आ जाता है आपके लीजर्स, लीजर्स में आपके आ जाते हैं सप्लायर्स भी और आपके आ जाते हैं कस्टमर्स भी, और बहुत सारे ऐसे लीजर्स हो जाते हैं जैसे बैंक अकाउंट्स वगैरह के लीजर्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे लीजर्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आगे की अकाउंटिंग सब इन लीजर्स के हेड में ही जाती है। ये जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा व्हाइट बोर्ड में, तब आपको बताऊंगा कि लीजर्स में एंट्री एक्चुअली कैसे होती है मैनुअल। फिर यूनिट क्रिएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मतलब आपको आइटम का नाम ऐड करना गोडाउन में, किस गोडाउन में रहेगा भैया, और आइटम का नाम होगा क्या, क्या होगा यूनिट, क्या लगेंगे टैक्स रेट, ये जब इन्वेंट्री आइटम आप क्रिएट करोगे तब आपको सब डालना होगा। फिर आती है सेटिंग्स, सेटिंग्स में तमाम तरह की सेटिंग्स होती है भाई, जैसे कि लास्ट सेल प्राइस अपडेट करना है, या गोडाउन मल्टी गोडाउन रखना है, क्या रखना है, फीफो लीफो मेथड वगैरह वगैरह करके, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आपका शुरुआत होती है सेल की, परचेज की। अब सेल होगी परचेज होगी, तो भैया अगर परचेज है आप माल खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी किसी ना किसी सूरत में करोगे माल को वापस भी, जैसे कि माल हो गया डैमेज या खराब निकल गया या कस्टमर्स की आई कंप्लेंट, तो आप उस माल को वापस पर सप्लायर्स को वापस भी भेजोगे, और इसी तरीके से जिस तरह आप वापस भेज रहे हो इसी तरह आपका भी कस्टमर कोई आपको माल वापस कर सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आप सप्लायर को माल वापस भेज रहे हो तो आप काटोगे डेबिट नोट, और अगर कोई कस्टमर आपको माल वापस कर रहा है आपका तो आप काटोगे क्रेडिट नोट। इसी तरह जर्नल एंट्रीज भी होती हैं, और भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर होता है बैंक के लिए पेमेंट रिसीविंग वगैरह वगैरह करके। सो दिस इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑन वर्क, स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड द हायरार्की यू नीड टू फॉलो टू वर्क ऑन एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट द कंपनी, setting the taxes, GST taxes means four taxes are applicable in India as of now, 5%, 12%, 18% and 28% of GST are applicable as of now, and the third one is ledger, and in this section suppliers, customers, bank accounts, cash accounts, all accounts are incorporated in this head ledger. You need to create, because all the accounting would be made on the basis of ledgers. And before creating your items, you need to create the unit. Okay, and then inventory. Inventory means you need to add the item in your accounting software. Then you need to apply multiple settings like your purchase order settings, invoice creating creations and sales order settings, price variation, etc. And finally, you will be able to make a sale, make a purchase. And as you know, whenever you will make a sale or make a purchase, then definitely you will just return your
purchase goods to back to your supplier, then in that case you will issue the debit note, and as you will return back to your goods to your supplier, then the same process will be followed by your customers as well. Like your customer will also return your product back to you, then in that case you will issue the credit note and journal, payment receipt, receiving voucher, contra, and many other vouchers are there. Definitely we will work on it, and we will teach you how to work each and everything. तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया. अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, ताकि आपको आगे की कुछ कहानी बता पाऊं कि उसमें काम भैया होता है कैसे. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार एक गुजारिश है आपसे कि आपसे मैं कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं इसके लिए. तो यार कम से कम इतना तो हक बनते ही है कि आप इस वीडियो को कम से कम पूरा देखिए. तो इतना मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए. कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं पूछना तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए. अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके मतलब का है, आपको कुछ बेहतर मिला, आपको कुछ जानकारी मिली, इसे शेयर कीजिए. और साथ ही साथ भैया चैनल को नहीं किया है अगर सब्सक्राइब, तो एक बार फिर से इल्तिजा है कि कर लीजिए सब्सक्राइब. चलिए अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ. GST वर्जन टैलिका .ERP 9. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्टार्टअप जो आप देख रहे हो, ये चूंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि टैली का नॉन रजिस्टर्ड वर्जन है. आपको पता होना चाहिए कि टैली का जो GST सेटअप है वो उसका कोई भी क्रैक नहीं है. जो कोई भी आपको वीडियो में बताता है भाई, तो बिल्कुल बिल्कुल भी यकीन मत करो, क्योंकि ये सारी कुछ बातें जो है ना, ये सब है फेक. टैली का कोई भी क्रैक GST कंपैटिबल वर्जन फिलहाल नहीं है. अगर आप चाहते हो तो आपको उसे परचेज करना पड़ेगा, या तो अगर सिर्फ लर्न करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लर्न मतलब टीच कर रहा हूँ, तो एजुकेशनल मोड इज सफिशियंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट टैली GST वर्जन इज नॉट अवेलेबल इन योर इन क्रैक वर्जन. सो इफ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन प्रॉपरली ऑन योर टैली सॉफ्टवेयर, देन यू नीड टू परचेज द लाइसेंस ऑफ योर टैली इफ यू वॉन्ट टू वर्क परफेक्टली. Or if you want to learn only, then definitely you can go for the educational mode. It's completely free, with some of the limitations are there. So as I'm going to teach you, so it's educational mode is sufficient for me. Every options are clear and open, but some limitations are there over. Okay, so it's a first screen startup you are seeing over here. Several options are there. It will ask only one time. Whenever you will open your tally, it will ask one time. Okay. तो पहला स्क्रीन है भाई, इसमें आपको जो देखने को मिल रहा है, ये जो ऑप्शन है, या आप जब भी टैली खोल रहे हो या खोलोगे तो मिलेगा पहली बार देखने को. इसमें एक्टिवेट करेंगे आप लाइसेंस को, या रीएक्टिवेट करेंगे, या रेंटल लेना चाहते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस आपने ले रखा है तो उसे कॉन्फिगर करते कैसे हैं, ये तो भैया बताऊंगा मैं आपको एक स्पेशल छोटा सा वीडियो बना करके. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है और इस तरह का स्क्रीन आने लगता है, तो हो जाते हैं बहुत ज्यादा परेशान लोग, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की हो जाती है जरूरत यहाँ पर. तो भाई इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा अलग से, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ लोगे. तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे. तो इसके अलावा और एक लॉगिन कर सकते हैं आप रिमोट के द्वारा, यानी tally.net यूजर की एक आईडी होती है .net की, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप लर्न करना चाहते हो, कोई भी आपके पास आईडी मौजूद नहीं है, तो आप एजुकेशनल मोड पे डेफिनेटली जा सकते हो. सो देयर आर सेवरल ऑप्शंस यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट इज यू कैन एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस. यू कैन ऑल्सो गेट अ रेंटल लाइसेंस. Even if you have a license key but you have lost it, then you can configure your existing license. I will make a short video on this, because most of the users, if lost the existing license, then I will teach you, I will show you how to configure the existing license. Okay, so the next option is login as remote tally.net user. If you have a valid tally.net ID, then you can access as a you can make a login as a remote tally.net user.
Okay, first of all, here I am going to teach you and you are going to learn, so you can go for the educational mode. Okay, now just click on it. पहला सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड का जो है, इसमें लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, करंट पीरियड, करंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री एंड द दूसरा सेक्शन जो है, इसमें कुछ मेन्यू से आ रहे हैं। तो ये पहला मेन्यू है, ये इसलिए ऐसा आ रहा है कंपनी इन्फो, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी ना तो सिलेक्ट हो रखी है, ना ही कोई कंपनी अभी क्रिएट की गई है, इसलिए ये ब्लैंक सा आ रहा है। यहाँ पे भी कोई कंपनी इसीलिए नहीं शो हो रही। खैर, सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन यू आर सीइंग ओवर हियर, दैट डिवाइडेड बाय टू सेक्शन, इनटू टू सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड शोइंग लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, मीन्स name of the companies would be displayed over here which are created by you, current period would be showing over here, current date would appear over here, date of last entry would appear here, but this section is completely blank just because of you haven't selected or haven't created any company as of now, and that is why the second part of this screen is a menu section of Tally, and this menu is only showing because you haven't selected or created any company. So let's get started with this menu also. So pehla ye menu hai bhai, isme select company pehla option, dusra login hai, teesra hai create. To aap isme agar aapne koi bhi ye menu aapko dikh raha hai, aapne koi bhi company nahi bana rakhi hai ya bana rakhi hai, to aap usko kar sakte hai select, या क्रिएट कर सकते हैं नई कंपनी। आप इसमें बैकअप ले सकते हैं अपनी सिलेक्ट करने के बाद कंपनी का, और अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव या आपकी ड्राइव में कोई कंपनी का बैकअप पड़ा हुआ है तो आप उसे कर सकते हो रिस्टोर। यहीं से आप टैली को क्विट कर सकते हो, यानी कि बंद कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न दिस मेन्यू, दैट इज द कंपनी इन्फो। ओके, but you can open this menu in other way, Alt F3. okay, Alt F3, this is the short key. You can open this menu at any time, but in this time it's showing over here. Here several options are there. First is select company. You can select existing already created companies, you can select over here. And second one is login as remote, so it's not necessary for you. And the third one is create company. If you want to create a new company, then you can go in this menu. And another is backup. You can make a backup of your company, existing selected companies. You can make a backup of those on that company. And the restore, if you have any backup of your any company in your drive or pen drive, then you can locate that backup and you can make a restore into the Tally. All right, now चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि अकाउंटिंग स्ट्रक्चर में बताया था कि कंपनी को क्रिएट किया जाता है, तो चलिए दोस्तों कर लिए जाए कंपनी को क्रिएट। ये खुल गया है कंपनी डेटा हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आ रहे हैं ऑप्शन, चलिए वन बाय वन पहले हिंदी में समझते हैं फिर समझेंगे इंग्लिश में, तो दोनों तरह के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हो जाएगा बढ़िया सा एक सपोर्ट। तो ये है कंपनी स्क्रीन भाई, और दोस्तों ये इसमें पहला तो देखिए डायरेक्टरी आ रहा ऊपर। ये डायरेक्टरी वो पाथ होता है जहां पर आपकी कंपनी का डेटा स्टोर होगा। डिफॉल्ट में ये टैली के अंदर एक डाटा नाम का फोल्डर हुआ करता है, ये वहां पर सिलेक्ट होकर दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, या तो आप इसको चेंज कर सकते हो, सी ड्राइव, ई ड्राइव, व्हाट एवर ड्राइव, जहां भी आप डाटा को सिक्योर रखना चाहते हो वहां पर आप कर सकते हो। सेकंड नेम है नेम। नेम में आप क्या डालोगे, आप डालोगे अपनी फर्म का नाम, जिस नाम से आपकी फर्म मतलब ऑपरेट करेगी। मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एड्रेस में आप कंपनी का एड्रेस डालेंगे अपने। कंट्री में आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट में आपका रहेगा स्टेट, और पिन कोड में आपके जो सिटी का पिन कोड है वो रहेगा। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, अगर वेबसाइट है कोई तो डाल दो भाई वेबसाइट को भी, और फाइनेंशियल ईयर्स एंड बुक
एंड फाइनेंशियल डिटेल। तो यहाँ पर आपको देखिए, पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर आप कब से शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों इंडिया में तो भैया होता है 1 अप्रैल से ही शुरू, तो अब हो रखा है 2018 ये मतलब निकल गया, अभी 2019 में अपन लग चुके हैं। तो ये अपना जो फाइनेंशियल ईयर अब 2019 के जनवरी चल रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ होगा। तो अपन जो इसका डेट डालेंगे वो 1 अप्रैल 2018 ही डालेंगे। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि बिल आप काट रहे हो या जो भी बुक्स बना रहे हो वो कब से, तो भैया वो भी डेट वही फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की ही ली जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें डेट आगे डाल देंगे तो बैक एंट्री आप नहीं कर पाओगे। ओके, उसके बाद आता है सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे है टैली वॉल्ट। यार ये पासवर्ड मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ये डालो, क्योंकि अगर आप इसे भूल गए तो ये डाटा आपका इनएक्सेसिबल हो जाएगा, यानी कोई भी इसको रिकवर नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको सिक्योरिटी ही डालना है तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल में चले जाओ। यहाँ पर देखिए नो दिख रहा है, यहाँ पर आप वाई लिख करके या यस लिख करके एंटर मारेंगे तो आपसे वो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, पासवर्ड और रिपीट करने को बोलेगा पासवर्ड, और उसके बाद आपके जो फर्म आप बना रहे हो या जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे हो वो पासवर्ड लॉक्ड हो जाएगी। ओके, सो इन दिस स्क्रीन ऑफ द कंपनी क्रिएशन फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टरी। द डायरेक्टरी इज द पाथ वेयर योर टैली डाटा वुड बी सेव्ड और वुड बी स्टोर्ड और योर कंपनी वुड बी क्रिएटेड ओवर देयर। This is the default path tally.erp/data. You can change as per your requirement, E drive, C drive, whatever. Okay. And the second one is name. And the name in this section, you need to fill out your firm name. Okay. Mailing address will be, mailing name would be automatically taken from the name. Address, you need to fill out your firm address. Okay. Country would be selected as India. State, you should select your state where your firm is incorporated. And the pin code should be your firm city pin code. Phone number, if you have any phone number, you can put over here. Mobile number, if you have any mobile number, you can put over here. Fax number, you can fill out. Email address, you can fill out. Website, if you have any website, then you can pull out your website over here as well. And here the second part of the screen, that's a book and financial year details. All right, the first is financial year begins form. Dear, in India the financial year will start always start from 1st of April. Okay, and today now we are running in January 2019, so till 31st of March the financial year, as of now the financial year is from 1st of April 2018 to 31st of March 2019. So you need to put out 1st of April 2018 and the second book beginning from should be the same. Okay, Tally Vault, the security control, but I highly recommend that you need not to set the Tally Vault password, because if you do, then and if you forget this password, then your data would be inaccessible, no one can recover your data. So if you want to use the security control, then you can use this option. You need to just click over here, you need to just go over here and enter yes, and then click on enter button, hit enter button, and it will ask the administrator name, it will ask the password, it will ask the repeat password, and your company would be created with the security control. And whenever you will log in, you will select the company, then it will ask for the password and username. All right, now चलिए शुरू करते हैं और भर के देखते हैं इसको। तो अपन भरते हैं इसमें, ABC कंपनी
LTD लिमिटेड। देखिए ये मेलिंग एड्रेस में अपने आप ये आ गया है और एड्रेस में हम इसको डाल देते हैं। सपोज गोमती नगर लखनऊ। कंट्री नेम में हमें इंडिया ही सिलेक्ट रखना है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कंपनी नेम शुड बी सिलेक्टेड एज इंडिया ओनली। स्टेट यू नीड टू सिलेक्ट, ओके, एंड आई हैव सिलेक्टेड लखनऊ, सो इट्स इन उत्तर प्रदेश, आई हैव सिलेक्टेड उत्तर प्रदेश, ओके। द पिन कोड इज 22 व्हाटएवर, ओके। द फोन नंबर यू कैन पुट आउट, ओके। मोबाइल नंबर इफ एनी, यू कैन पुट आउट ईमेल एड्रेस, all right, website, if you have any website then you can fill out the detail. Financial years begin from, because as of now we are running in 2019 January month, so the financial year would be from 1st of April 2018, and the book beginning from should be the same. All right, as I have told you, you no need to set the tally vault password, aapko nahi bharna hai. सिक्योरिटी कंट्रोल में आपको कर देना है यस, अगर आप करना चाहते हो पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये देखिए, आप यू नीड टू जस्ट क्लिक एंड फिल आउट द यस एंड हिट इंटर, एंड देन इट विल आस्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर नेम। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछेगा, भैया इसमें आप डाल दो सपोज फरहान, ऑलराइट, एंड द पासवर्ड यू जस्ट ओके 1 2 3 Wait, you just do the password आप fill कर दो, repeat कर दो, tally audit features को आप yes कर दो, disallow opening educational mode इसको no कर दो। Actually, whenever you set the administrator name, password, and repeat password, then you can use the tally audit features. Click set yes, and disallow opening in educational mode. No, because if you do, suppose if you have lost your password, means you forget your password, then at least you can open your firm data. You can see whatever you want to see and you can print out whatever, but you cannot make a proper entry, but you can see the data, so set it no. All right, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस करेंसी सिंबल, भैया ये करेंसी सिंबल जो है वो ऐसा होता है कि जो हमारे भारत का जो अभी करेंसी सिंबल है वो सेट होगा यहाँ पर। तो ये तो सिंबल ले रखा है उसने पहले से ही। फॉर्मल नेम हो जाएगा INR, जो इंडियन रुपीज है। सफिक्स सिंबल ये नहीं करना है, और बाकी सब कुछ तो ठीक है। ये इसमें आप कुछ ज्यादा छेड़खानी ना करें तो बेहतर है। ऑलराइट, सो यू नो नीड टू चेंज ईच एंड एवरी सेटिंग्स, ऑल द सेटिंग्स आर परफेक्ट एंड ओके, यू नीड टू जस्ट गो अहेड। ऑलराइट, यहाँ पर टैली आपसे एक मैसेज पूछेगा कि एक्सेप्ट करके कंपनी को बना देना है या नो करके कंपनी को रोक देना है। तो यहाँ पर अगर आप नो करते हैं तो आप कंपनी आपकी सेव नहीं होगी, और अगर आप यस कर देते हैं यानी कि वाई दबा देते हैं तो यहाँ पर कंपनी सेव हो जाएगी। ओके, टैली विल आस्क हियर वन मैसेज दैट यू वांट टू एक्सेप्ट यस और नॉट। इफ यू क्लिक ऑन नो और प्रेस एन बटन ऑफ योर कंप्यूटर और योर कीबोर्ड, देन इट द कंपनी विल नॉट बी सेव्ड, ओके। एंड इफ यू क्लिक ऑन वाई बटन ऑन योर कीबोर्ड, ऑलराइट, then your company will be saved perfectly and you will see listed on the sidebar. Okay, here I am going to hit Y button. All right, accept. See, now as because I have already selected the security control, now the company is going to be loaded and the tally is asking for administrator name and password.
कंपनी में हमने आपको पता है कि यूएस सिक्योरिटी कंट्रोल सेट कर दिया था। तो अब देखिए कंपनी लोड होने से पहले भैया पूछ रही है कि यूजर का नाम डालिए और डालिए पासवर्ड, तभी कंपनी ओपन होगी। तो यहाँ पर डाल देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अब कुछ मेन्यू हो गए हैं अलग से। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी जो अभी अपन ने बनाई थी यहाँ पर शो कर रही है, लेकिन कोई भी वाउचर एंटर नहीं है। लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री में कुछ भी नहीं शो हो रहा है, करंट पीरियड शो कर रहा है, करंट डेट शो कर रहा है, और यहाँ पर गेटवे टैली का आ गया है मेन्यू। तो यहाँ पर ये जो मेन्यू आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो देखिए करंट पीरियड दिखा रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, और ये एबीसी कंपनी जो भी आपने कर दी थी क्रिएट, और लास्ट डेट ऑफ मतलब जो एंट्री है वो उसमें कोई भी, क्योंकि वाउचर कोई भी यार नहीं किया है ऐड अभी तक, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एंट्री वाउचर की डेट नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर आ जाते हैं तो ये आ जाता है मेन मेन्यू, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। इसमें सारे के ये मेन मेन्यू है और इसमें सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुके हैं, यानी कि मास्टर्स अकाउंट इन्फो लेजर बनाना, यानी कि और आइटम क्रिएट करना, ट्रांजेक्शंस मतलब कि सेल परचेज वगैरह वगैरह, वाउचर प्रेस पेमेंट रिसीव, इंपोर्ट करना, बैंकिंग ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हो गया है भैया ओपन। तो अब आगे हम इस पे ही करेंगे काम, इसी कंपनी को लेकर के चलेंगे आगे, और इसी पे अब हम बारी बारी से, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट में समझा था, तो हम बनाएंगे अब आगे की पूरी रूपरेखा और आगे पूरी करेंगे अकाउंटिंग वर्क। सो हेयर इन दिस स्क्रीन यू विल सी द स्क्रीन इज करेंटली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज सेकंड लेफ्ट हैंड साइड द कंपनी नेम विच इज रिसेंटली क्रिएटेड एबीसी कंपनी लिमिटेड इज शोइंग ओवर हेयर, बट डेट ऑफ लास्ट एंट्री इज नॉट शोइंग बिकॉज नो वाउचर एंटर्ड। We have just created company. We haven't created any voucher. We haven't created any sale, any purchase, anything. The company is completely blank, just created. That's why the current period is showing over here, 1st April 2018 to 31st of March 2019. And the current date is 1st April 2018. That's because no vouchers entered over here. And the right hand side, you can see that is the main menu called Gateway of Delhi, and all the menus are in this Gateway of Delhi menu. It's a major and main menu, and all the work would be done by these menus. One by one we will learn. You can see that's master accounting info. You can create, you can edit, you can display the ledgers, inventory info, you can create the item name and price list, etc., transactions, you can make a sale, purchase, inventory, vouchers, payment receipt, contra, banking, etc. You can see all the reports over here, balance sheet, profit and loss, stock summary, ratio analysis, display. In display you can see all the reports, various types of reports, various types of filters, etc. So दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना कि कंपनी को बनाते कैसे हैं और इस मेन्यू तक आते कैसे हैं। तो अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, और करते हैं सेटिंग टैक्स की किस तरीके से। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों कोशिश बहुत की कि वीडियो बहुत थोड़ा सा छोटा बने, लेकिन चूंकि डिग्लोट एडिशन में बन रहा था तो थोड़ा सा वक्त तो लगना ही था। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहिए। आपका दोस्त।